स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश। आज चलेंगे सीधे न्यूज़ पे, फिर बात करेंगे। तो पहले हेडलाइंस पे देख लेते हैं क्या है। पीएनबी के ग्राहक के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से बंद हो जाएगा खाता, नहीं कर पाएंगे लेन देन, जानिए क्यों। तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा न्यूज है 5G लॉन्च। 5G का इंतज़ार करने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, IT मिनिस्टर ने कहा तैयारी शुरू करो, जल्दी हो जाएगी। अब जब मंत्री जी ने बोल दिया है तो। और आखिरी खबर है, इस पे बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है खबर PNB के बारे में। अगर आपका खाता भी PNB में है, पंजाब नेशनल बैंक, ये खबर जरूर पढ़े। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है, अगर अपने बैंक के बात नहीं मानी तो आपको परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि आपका खाता बंद हो सकता है और खाते के लेन देन पर प्रतिबंध लग सकता है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखते हैं क्या। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक के लिए बड़ी खबर, अगर आपने अब तक KYC नहीं किया तो तुरंत कर ले। बैंक ने ग्राहकों से KYC का अपडेट करने की अपील की है। बैंक ने ट्वीट कर कहा कि सभी ग्राहक 31 अगस्त 2022 तक KYC करा लें। पिछले कई महीनों से बैंक अपने ग्राहक को KYC करा लें, कराने से ग्राहक का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। RBI द्वारा कहा जाता है बैंक को समय समय पे कि अपने बैंक का डिटेल्स जाने, कि KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, मतलब आप अपने कस्टमर को देखें। मेन मकसद ये रहता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका खाता उनके परिवार वाले या उसके फ्रेंड एक्टिव करके यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का घटना बहुत देखा गया है, इसीलिए KYC कराने के लिए बैंक बोलती है, बैंक को RBI बोलती है। तो मेन मुद्दा ये है, तो आपको KYC करा लेना चाहिए। और KYC साधारण सी चीज़ है, बैंक में जाके आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होती है। अगर आपकी का आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करके भी KYC करा सकते हैं। अगर आप बैंक जाकर इसे करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस बैंक के ब्रांच में जाइए, जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है वहाँ जाकर संबंधित डेस्क से KYC फॉर्म लीजिए। और इस फॉर्म को भरने के बाद इसमें सभी ज़रूरी कागजात अटैच करने के बाद जमा कर दीजिए। KYC फॉर्म जमा होने के 3 दिन के अंदर आपका KYC अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। आजकल तो कई बैंक आपको वीडियो कॉलिंग पे, कुछ प्राइवेट बैंक है वो आपको वीडियो कॉलिंग पे या इस तरह की KYC का सुविधा भी देती है। पर PNB तो ये गवर्नमेंट बैंक है, तो हो सकता है इस पर ऐसा सुविधा ना हो, आपको ब्रांच पे जाना ही पड़े। तो जाके KYC करा लेना चाहिए आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। खाता तो बंद नहीं होता KYC नहीं कराने से, लेकिन हाँ आपको ट्रांजेक्शन में कुछ दिक्कत आ सकती है। ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है, मेरा भी हुआ था एक बार। तो KYC अपडेट जरूर करना चाहिए। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है 5G लॉन्च। 5G का इंतज़ार करने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, IT मिनिस्टर ने कहा तैयारी शुरू करो। देखते हैं क्या है न्यूज़ है। 5G लॉन्च। 5G का इंतज़ार करने वाले के लिए खुशखबरी आ गई है देश में। पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है, अब लोगों को 5G सर्विस के लॉन्च होने का इंतजार है। कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5G पर नया अपडेट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनी को 5G लॉन्च करने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए पोस्ट में बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, इस महीने शुरू होगी एयरटेल की 5G सर्विस। भारतीय एयरटेल की तरफ से 5G को जल्द शुरू करने का इशारा पहले ही कर दिया जा चुका है। इसके लिए एयरटेल ने EMD को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। और भारतीय एयरटेल की तरफ से यह पैसा 4 साल की किस्त के अंतरिम भुगतान के रूप में दिया गया है। रिलायंस जियो भी 7,864 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया 1,679 करोड़ और अडानी टाटा नेटवर्क्स ने 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो जल्दी आपके बीच 4G को अपग्रेड करके 5G
सर्विस मिलेगा और 5G बहुत ही तेज होने वाला है जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो वेट कीजिए, हम भी कर रहे हैं और आप भी कीजिए। 5G आएगी तो ज़रूर, ये तो है कि जैसे 3G के बाद 4G काफ़ी ज़्यादा स्पीड आया, 2G के बाद 3G, उसी तरीके 4G के बाद 5G जो आने वाला है वो काफ़ी फास्ट होगा। और इसके लिए मतलब कहना ही क्या, और वो सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं होगा, आपका TV से लेकर के घर के अप्लाइंसेस हो, या सिक्योरिटी सिस्टम हो, या फिर आपका जो भी कमांडिंग सिस्टम हो, दूर बैठे अपने घर का सिक्योरिटी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 4G में भी कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा ही वो फास्ट होगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें फीचर आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज है हमारा एक इन्फिनिक्स हॉट 12 लॉन्च। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलेगा, 6000 mAh की दमदार बैटरी होगी। कीमत देखिए 9499 रुपये। ये 10,000 से नीचे का मोबाइल है और ये बहुत अच्छा मोबाइल है। पहले भी आप इन्फिनिक्स का अच्छा अच्छा फ़ोन आया हुआ है, तो अभी ये इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन आप देखिए क्या है। ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और करीब 7 इंच के करीब का डिस्प्ले है इसमें। देखिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो होगा वो सेल्फी वाला होगा और 4GB+64GB का इंटरनल स्टोरेज है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होता है इन्फिनिक्स का, और कम प्राइस में बहुत अच्छा फीचर लेके आते हैं, जिससे पहले भी बहुत सारा फ़ोन इन्होंने लॉन्च किया है। तो चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे, ये दोनों साइट बहुत अच्छी है और इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप जाइए और चेकआउट कीजिए, और जिसको ये फ़ोन लेना हो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस न्यूज के साथ लेंगे आज आपसे विदा, और जाते जाते यही कहेंगे कि मेरे चैनल पर जो आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको मिले, और वीडियो को पूरा देखिए। और कुछ हो, अगर कंप्लेंट भी हो तो आप ज़रूर रजिस्टर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही था, नमस्कार।